दर्शन विक्रम, मेरा सवाल। किसी नगर में कोई गिधारी नाम का हीरे का व्यापारी रहता था। उसके घर और दफ्तर में कुल 4 लोग काम किया करते थे। गिधारी जी समझदार और दयालु किस्म के व्यक्ति थे। वे अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को हर समारोह और त्योहारों पर खुशी से 2 सिक्के और फल दिया करते थे। सभी काम करने वाले कर्मचारी भी अपने मालिक गिधारी जी से हमेशा खुश रहते थे। एक दिन त्योहार पर गिधारी जी के पुराने मित्र उनसे मिलने आते हैं और साथ में उपहार स्वरूप बहुत सारे फल, मिठाइयाँ और उन्हें कपड़े भी लाते हैं। मित्र के जाने के बाद गिरधारी जी त्योहार के मौके पर हमेशा की तरह अपने कर्मचारियों को 2 सिक्के और कुछ फल ही देते हैं। तो बता विक्रम, जब गिरधारी के घर में इतनी सारी मिठाइयाँ, कपड़े और फल रखे हुए थे, तब भी उन्होंने अपने कर्मचारियों को केवल 2 सिक्के और फल ही क्यों दिए? तो सुन बेताल, गिधारी जी समझदार थे। वे जानते थे उनके कर्मचारी जितना वे देते हैं उतने में संतुष्ट हैं और उनसे खुश भी हैं। आज यदि मिठाई, कपड़े अपने कर्मचारियों को दे देते हैं तो कर्मचारी उनसे और ज़्यादा खुश तो हो जाएंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा और उम्मीद लगाने लगेंगे। अगली बार जब गिधारी जी उन्हें उपहार स्वरूप 2 सिक्के और कुछ फल देंगे तो सभी लोग नाखुश रहेंगे, क्योंकि गिरधारी जी ने पिछली बार मिठाइयां और कपड़े भी दिए थे। इसी कारण से गिरधारी जी ने उन कर्मचारियों के उपहार सीमित रखे और उन्हें कुछ फल और 2 सिक्के दिए। यह सब ध्यान में रखकर गिरधारी जी ने अपने कर्मचारियों को कपड़े और मिठाइयां नहीं दी। सही जवाब विक्रम।